हम अहला को आखराम तक एक बात पहुंचाना चाहते हैं कि प्लीज एंड प्लीज मेहरबानी करके हमारा फ्यूचर सिक्योर करें और जो हमारी पेंडिंग सैलरी है वो हमें दीजिए ताकि हमारे बच्चे जो है वो भी हमारी जो ईद मनाएंगे वो भी खुशी से ईद मनाएंगे, हम भी उनके लिए खुश रहेंगे। जी हमें पिछले हमें 2 साल से पेंडिंग है। अब क्या डिमांड रहेगी? हमारी डिमांड यही है कि हमारी जो पेंडिंग लेबर ड्री है वो हमें, जो हमारी तनख्वाह है पेंडिंग वो हमें दीजिए और जो हमें जॉब पॉलिसी मिलनी चाहिए, वरना यहाँ पे बहुत ज्यादा लड़के हम बच्चे लेके आ जाएंगे, हमारी शादी इन्हीं बुनियाद पे हो गई है और यहाँ तक पहुंचे। हमें घर वाले बोल, जब आपकी शादी हो आप बोल रहे थे मैं जॉब कर रही हूँ, लेकिन कहाँ गया वो जॉब? आप शायद झूठ बोल रहे थे, शादी करने के लिए झूठ बोल रहे थे। इसीलिए हमारे बच्चे हैं, प्लीज उनका फ्यूचर, उनके बारे में सोचे और हमारा फ्यूचर सिक्योर करें प्लीज। आपको कितना मिलता है? हमें मंथली मिल रहे थे खाली 2000 मिल रहे थे, लेकिन वो भी नहीं देते। और इसमें से एक्सपेंडिचर कितना होता है? सपोज अगर किराए वराए की बात है फिर पता नहीं 10,000 से ज्यादा हो जाता है, 20,000 से ज्यादा हो जाता है। क्यों काम करे अगर जाएगा तो हम नहीं करते, लेकिन उस टाइम क्या है हमें मेरिट बेस का लगाया गया तो हमने सोचा शायद इससे ज्यादा इजाफा हो जाएगा, इसीलिए हमें तो हम किसी न किसी में जाते, लेकिन उस टाइम हमें 5 ईयर्स प्लान में छोड़ दिया गया। तो हम पिछले 8 साल से इसमें फ्यूचर सिक्योर करें और जो हमारी पेंडिंग सैलरी है वो हमें दीजिए ताकि हमारे बच्चे जो है वो भी हमारी जो ईद मनाएंगे वो भी खुशी से ईद मनाएंगे, हम भी उनके लिए खुश रहेंगे। जी हमें पिछले हमें 2 साल से पेंडिंग है। अब क्या डिमांड रहेगी? जी हमारी डिमांड यही है कि हमारी जो पेंडिंग लेबर ड्री है वो हमें, जो हमारी तनख्वाह है पेंडिंग वो हमें दीजिए और जो हमें जॉब पॉलिसी मिलनी चाहिए, वरना यहाँ पे बहुत ज्यादा लड़के हम बच्चे लेके आ जाएंगे, हमारी शादी इन्हीं बुनियाद पे हो गई है और यहाँ तक पहुंचे। हमें घर वाले बोल, जब आपकी शादी हो आप बोल रहे थे मैं जॉब कर रही हूँ, लेकिन कहाँ गया वो जॉब? आप शायद झूठ बोल रहे थे, शादी करने के लिए झूठ बोल रहे थे। इसीलिए हमारे बच्चे हैं, प्लीज उनका फ्यूचर, उनके बारे में सोचे और हमारा फ्यूचर सिक्योर करें प्लीज। आपको कितना मिलता है? हमें मंथली मिल रहे थे खाली 2000 मिल रहे थे, लेकिन वो भी नहीं देते। और इसमें से एक्सपेंडिचर कितना होता है? सपोज अगर किराए वराए की बात है फिर पता नहीं 10,000 से ज्यादा हो जाता है, 20,000 से ज्यादा हो जाता है। क्यों काम करे अगर जाएगा तो हम नहीं करते, लेकिन उस टाइम क्या है हमें मेरिट बेस का लगाया गया तो हमने सोचा शायद इससे ज्यादा इजाफा हो जाएगा, इसीलिए हमें तो हम किसी न किसी में जाते, लेकिन उस टाइम हमें 5 ईयर्स प्लान में छोड़ दिया गया। तो हम पिछले 8 साल से इसमें नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।